पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। एक दिन मैं इस घर में सबसे अनजान एक नई बहू बनकर आई थी, जो कोई उम्मीद लेकर नहीं आई थी, सिवाय इसके कि अक्की और शिवीना का रिश्ता निभ जाए। मगर आज सबसे लगाव बढ़ने के साथ मेरी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और साथ में डर भी। वैसे तो मुझे पता था कि ज़्यादा दिनों तक मेरी लाइफ एक जैसी नहीं चल पाएगी, कोई मुश्किल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बेचारे मिस्टर कपूर भी कब तक उन प्रॉब्लम्स को मुझसे दूर रख पाते। आफ्टर ऑल मैं प्रॉब्लम्स की मैग्नेट जो हूँ, और अब मेरे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वरुण जी जो सच बोल रहे हैं या झूठ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इतना जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे आने वाले कल के लिए, मिस्टर कपूर और मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पर तू घबरा क्यों रही है प्रिया? लाइफ ने तो हमेशा ही तेरा इम्तिहान लिया है। उन गलतियों की भी सजा तुझे मिली है जो तूने कभी की नहीं, पर जो दर्द तूने सहा है वो मिस्टर कपूर के हिस्से नहीं आना चाहिए। वो ये डिजर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। तुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, उन्हें वक्त रहते हुए ये सब कुछ बताना होगा जो आज हुआ है। प्रिया, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, मुझे वो मिस्टर कपूर से बहुत जरूरी बात करनी है, तो मैं मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेगा प्रिया, प्लीज। ओके। शुभू, यू डोंट लव मी एट ऑल, वरना अब तक ना कोई प्लान क्रैक करके मुझे बुला लिया होता घर। अच्छा, और मॉम जो मेरी हड्डियां क्रैक करती हैं उसका क्या? कि मैंने उनका कहा नहीं माना? तेरी तरह ना मुझे भी घर से निकाल दिया जाता। यार मुझे समझ नहीं आ रही मॉम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। अरे मॉम को छोड़, तुझे पता चला अक्षय क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं? मतलब क्या रीजन था? यार वही तो ना, अक्की भी तो कुछ नहीं बता रहा है, और ये जिशान जो है ना वो इतना अनोइंग है और उसके ऊपर से डेंजरस भी है। पहले मेरा केक खराब किया, फिर मेरा बैग जलाया, फिर मेरा हाथ जलाया, अब पता नहीं आगे और क्या क्या जलाएगा। He is so dangerous. मुझे यार नहीं रहना, I just want to leave from here. वो आगे क्या करने वाला है उसका तो पता नहीं, पर हमें क्या करना है उसका आइडिया है मुझे। थोड़ा ट्रिकी है इसलिए ध्यान से सुनना। मैं मॉम को कहने वाला हूँ कि तुझसे वैसा ही कराए जो मैंने सोचा। कैसा? गुड, ओके, बाय। राम ने मुझे बताया कि तुमने क्या कुछ नहीं सहा है इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए। किडनैपिंग? प्रिया मैं कितनी घबरा गई थी पता है। तुम ठीक हो ना प्रिया? मॉम मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो मैं जानती हूँ, तुम सब ठीक कर देती हो। आई मीन उस मैनेजर को भी देखो, तुमने ही तो झूठा साबित करवाया है। अब पता है वीरेंद्र की एनिवर्सरी को हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं, नो स्ट्रेस। क्या प्लान करना है? कुछ स्पेशल करना है तो आप मुझे बताइए, मैं सब अरेंज। तुम क्या क्या करोगी प्रिया? तुम सब कुछ करती हो लेकिन अपने आप पर ध्यान नहीं देती। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हारे हेयर स्टाइल के बारे में। रुको मैं कुछ करती हूँ। नहीं नहीं मॉम इट्स ओके, जरूरत नहीं है। नहीं प्रिया मुझे कुछ तो करने दो, कुछ तो मेरे हाथों में रहने दो। यू नो प्रिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा जो हेयर स्टाइल है ना वो बिल्कुल पुराने हीरोइंस जैसा है, तुम्हें इसे चेंज करना चाहिए। मैं तुम्हें मॉडर्न बना दूंगी, बिल्कुल मेरी तरह। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे देना, दैट्स इट। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।